की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा, गुरुवर ही हर सहारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम। ये सागर की जनता की एक वर्षों पुरानी जो हमारी धर्म की पिपासा थी, प्यास थी, उसको बुझाने का कार्य आज मुनिवर के द्वारा किया जा रहा है। सागर की जनता अभिभूत है और सागर की जनता, सागर जिले की जनता अभिभूत है। और बुंदेलखंड के ऐसे महान राष्ट्र संत जिन्होंने बुंदेलखंड को नई ऊंचाइयां दी, बुंदेलखंड का नाम पूरे देश में नहीं विश्व में उन्होंने रोशन किया, ऐसे राष्ट्र संत को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और एक लंबे समय से हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर मरहम पट्टी हो रही थी, लेकिन आवश्यकता तो है शल्य चिकित्सा की, ऑपरेशन की। वो ऑपरेशन करने का काम मुनिवर के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग जो आंधी के थपेड़ों से घबराते थे, उन आंधी के थपेड़ों को से चुनौती के रूप में जूझ के और जीवन सफल करने का जो उन्होंने मूल मंत्र यहाँ दिया है, उससे निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। मैं कहना चाहता हूँ गुरुवर के जो प्रवचन है, कड़वे प्रवचन है, लेकिन उनकी अनुभूति जो है बहुत मीठी है। आप लोगों की स्थिति एक लंबे समय तक एक चींटी के समान थी। कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपके परम सानिध्य में हम लोग अभिभूत हैं, आपको बारंबार नमोस्तु नमन करते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। मंगलगिरी जहां पर यह सत्संग हो रहा, अमूमन आज तक मैं शहरों में बोला, शहरों के मध्य बीच में बोला, सुनने के लिए हजारों लोग आए, लेकिन जब यहां प्रवचन के लिए मुझे निवेदन, शहर से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर कौन आएगा? बोले मुनि जी पानी का मौसम है, जो हमारे यहां पर जगह है वो ऐसा एक दिन बारिश आए तो फिर बड़ा तकलीफ हो जाएगी। फिर मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, आप रखिए, लेकिन इस मंगलगिरी तीर्थ पर ये 30-40 हजार लोग जो यहां पर बैठे हैं, इसने सिद्ध कर दिया कि जहां शक्कर होती है वहां चींटी अपने आप ही पहुंच जाती है। जीवन के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चलता फिरता नरक, संसार में नरक देखना है तो अस्पताल में जाकर देखो, धरती पर नरक देखना है तो अस्पताल में जाकर देखो, धरती पर अस्पताल देखना है तो अस्पताल, धरती में नरक देखना है तो अस्पताल में जाकर देखो, चलता फिरता भगवान को देखना है तो दिगंबर मुनि को देखाना, धरती पर नरक को देखना है तो अस्पताल देखाना, धरती पर भगवान देखना है तो दिगंबर मुनि को देखे आना, दुनिया का आश्चर्य देखना है तो आगरा चले जाना और भगवान महावीर को देखना है तो मंगलगिरी चले आना। ये शहर की जहां यह मंगलगिरी, पिछले 4 दिन से यहां मैं प्रवास कर रहा हूं, मैंने विचार किया, अनुभव किया, आने वाले समय में सागर शहर की शान के रूप में ये मंगलगिरी तीर्थ जाना जाएगा, ये मंगलगिरी तीर्थ की पहचान होगी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आचार्य पुष्पधर सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं लायक बनने में सारी जिंदगी लग जाती है मगर नालायक बनने के लिए एक क्षण भी
काफी होता है। जैन धर्म में रात्रि भोजन करना वर्जित है, लेकिन मेरा मानना है कि रात्रि भोज से भी बड़ा पाप है मृत्यु भोज। मेरा मानना है कि रात्रि भोज से भी बड़ा पाप है मृत्यु भोज। भारतीय समाज के मृत्यु भोज, भारतीय समाज के माथे पर कुप्रथा का लगाए कलंक है। मृत्यु भोज केवल कुपरंपरा ही नहीं, कुप्रथा ही नहीं, कुरीति ही नहीं, बल्कि गरीब के साथ किया जाने वाला एक क्रूर मजाक भी है। कैसे भी विडंबना है, कैसे भी विडंबना है कि किसी का तो सहारा चला गया, किसी की आंख का तारा चला गया, किसी का घर वाला चला गया और हम उसके घर तेर भी मनाते हैं, दावते उड़ाते हैं, मरे के घर खाते हैं। याद रखना, मृत्यु भोज में जाना शमशान को अपने घर लाने जैसा है और मृत्यु भोज में खाना मुर्दे का मांस खाने जैसा है। यह समाज में जो बुराइयां हैं, अमीर लोग तो अपने बड़प्पन के लिए, शान शौकत को दिखाने के लिए तेरहवीं और मृत्यु भोज कर लेता है, लेकिन जो गरीब तबके का आदमी है, क्योंकि सामाजिक बंधन के कारण से वो कर्ज लेकर के इस रस्म को अदा करता है। याद रखना, मृतक के नाम से मृत्यु भोज करने से मृतक की आदमी को कोई शांति तो नहीं मिलती, लेकिन जो जिंदा है वो आर्थिक दबाव के कारण अशांत जरूर हो जाते हैं। सवाल करो, मरे हुए जानवर को जो खाता है उसे चील कहते हैं, कौवा कहते हैं, गिद्ध कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, लेकिन जो मरे हुए के नाम पर जिंदा होके खा रहा है वो कौन है, वो कौन है? क्वेश्चन मार्कर लगा रहा हूं, उत्तर आप खोजना। आप तय करिए मृत्यु भोज में नहीं जाएंगे, आप तय करिए मृत्यु भोज नहीं करेंगे। सामाजिक प्रचलन में अगर सहयोग देते हैं, यह समाज दो का एक बहुत बड़ा काम है। इस बारे में आप विचार करना। यहाँ पर माताएं बहनों के साथ बहुत सी बहनें बैठी हुई है, उनसे गुजारिश निवेदन, बहनों आजकल में तुम्हारी शादी होने वाली है, बहनों आजकल में तुम्हारी शादी होने वाली है, पर तरुण सागर की एक बात याद रखना, शादी भाग कर नहीं जाग कर करना। बहनों आजकल में तुम्हारी शादी होने वाली है, पर तरुण सागर की एक बात याद रखना, शादी भाग करके नहीं जाग करके करना, जिंदगी का फिल्मीकरण मत करना। यहां जब तुम अपने पांव के नीचे चीटी भी नहीं आने देती, तुम्हारे संस्कार तो जीवदा के है। यहां जब तुम अपने पांव के नीचे चीटी भी नहीं आने देती, तो वहां विधर्मी के घर कटती मुर्गी, उबलते अंडे, पकते मांस को कैसे देख सकोगी? यद्यपि तुम्हारा प्रेमी प्रेम की हवाई जहाज में उड़ान भरते हुए तुमसे कहेगा, तेरे लिए मांस तो क्या, मैं दुनिया भी छोड़ सकता हूं, तेरी कसम, तेरे प्यार की कसम, वो चुपड़ी चुपड़ी बातें तुमसे करेगा और तुम इतनी भोली हो कि उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों पर आ जाती हो। खबरदार, ये जिंदगी है कोई फिल्म नहीं जो 3 घंटे में खत्म हो जाए। खबरदार, ये जिंदगी है कोई फिल्म नहीं जो 3 घंटे में खत्म हो जाए। शादी माँ बाप की रजा से करना, माँ बाप तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। याद रखिए, अपने फर्ज को मत भूलिए। देश का नौजवान
ये समझ ले कहा है, ये बुजुर्ग है। कड़वे प्रवचन पुस्तक इसको जरूर पढ़िए। इस पुस्तक में मैंने एक लाइन लिखा, माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ा लिखा करके उन्हें लायक बनाओ, मगर इतना लायक भी मत बना दो कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे। देश के नौजवान से सिखाऊंगा, सिर्फ अपने बुजुर्गों पर गौरव मत करो, सिर्फ अपने बुजुर्गों पर गर्व मत करो, जीवन में कुछ ऐसा भी करो कि तुम पर तुम्हारे बुजुर्ग गर्व कर सके। देश के नौजवानों से कहूंगा, देश में बुजुर्गों की उपेक्षा बढ़ रही है, नौजवानों से कहूंगा, पेड़ बूढ़ा ही सही घर में लगा रहने दो, फल ना सही छाया तो देगा। पेड़ बूढ़ा ही सही घर में लगा रहने दो, फल ना सही बूढ़ा तो फल ना सही छाया तो देगा। देश के नौजवान से कहूंगा, आप अपने माँ बाप को अपने साथ मत रखिए। कड़वे प्रवचन, मुझे सीधा बोलना नहीं आता, सीधा बोला उसका दुष्परिणाम मैं देख चुका हूं। मैं बोलता था लोग सोते थे, इसलिए मैंने कड़वा बोलना शुरू किया। राजेश भाई, मैं मीठा बोलता था, लोगों को लगता था मुनि जी लोरी गा रहे। मैं बोलता था वो सोते थे, मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या, बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहे। सबके सामने मैं झूठा पड़ता था, कहता आगे बढ़ती फिर उनकी लटकन झटकन पड़ती, मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या, बोले नहीं तो, मुझे बड़ा बुरा लगता। कहता फिर आगे बढ़ती उनके लटकन सेठ जी के लटकन झटकन आगे बढ़ती, मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या, बोले नहीं तो। मैं मन में सोच के रह जाता क्या करूं, सभा के सामने मैं झूठा सिद्ध होता। कहता फिर आगे बढ़ती, फिर मैं पूछता सेठ जी जा रहे क्या, बोले नहीं तो। तब जाकर के पानी का पानी दूध का दूध होता है। मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया, और जब मैं मीठा बोलता था उस समय ये हजारों लोग मुझे सुनने नहीं आता थे, मुश्किल से 150 आदमी, और 150 आदमी वो जिनको बेटा दुकान पर नहीं चढ़ने देता था और बहू घर में टिटन देती थी, वो आते थे और कहते थे बाप जी कहो, पंखा चलता था, ठंडी ठंडी हवा आती थी, मंदिर के खम्भे से टिक करके सोती थी। मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया और उस दिन से ही कड़वा बोलना शुरू कर दिया। मीठा और कड़वे प्रवचन में इतना फर्क करता हूं, जो जुबान से निकले कान पे खत्म हो जाए, जुबान से निकले कान पे जाके खत्म हो जाए वो मीठा प्रवचन, और जो जुबान से निकले और दिल तक पहुंचे वो कड़वा प्रवचन। देश के नौजवान से कहूंगा, वो माँ बाप को अपने साथ मत रखिए, बल्कि खुद माँ बाप के साथ रहे। देश के नौजवान, माँ बाप के साथ मत रहिए, बल्कि आप खुद माँ बाप के साथ। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा अंतर है। मंगलगिरी जो कि सागर की शान बनेगा, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे बुंदेलखंड की शान के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। उसकी शुरुआत शहर में, अगर आपके यहां कोई मेहमान आता है उसको बोलिए सागर का हिल स्टेशन, जैसा भी सुनील भाई ने कहा, बाकी में यहां आने के बाद आदमी थोड़े समय के लिए दुनियादारी को भूल जाता है और एक नए लोक में प्रवेश करता है, एक नई यात्रा पर निकल जाता है। वो मंगलगिरी तीर्थ और नेमीचंद जी और सारे बहुत सारे कार्यकर्ता, इन्होंने संघर्ष करके मैं कहता हूं, कोई भी बड़ा आंदोलन करना है, कोई भी बड़ा काम करना है, हजार मुर्दों की जरूरत नहीं है, जिंदा चार और मुर्दा हजार। हजार मुर्दों की जरूरत नहीं है, ये चार जिंदा लोगों ने तय किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान महावीर स्वामी अपनी दिव्य देशना के साथ
उतुंग आभा को लेकर के इस शहर वासियों पर अपना आशीष अनुकंपा बरसा रहे हैं, शहर की सुख शांति के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये शहर वासियों के लिए सौभाग्य का और नतमस्तक होने का क्षण है। आपके यहां कोई मेहमान आता है घुमाने के लिए, आप दो चीज जो मैंने अनुभव की, यूनिवर्सिटी में मेरा जाना हुआ नहीं, निमंत्रण मेरे पास जरूर आया था, विठल भाई पटेल सुबह शाम रोज आते हैं, आग्रह आया था मैं एक दिन वहां पर जाऊं, वहां को लोगों से मुखातिब करूं। मैंने कहा मैं देखता हूं कैसे बनता है, समय है नहीं, लेकिन उसका नाम पूरे दुनिया में, सागर का नाम यूनिवर्सिटी कई जगह है, लेकिन डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय अपने आप में विशिष्ट है और सागर के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करता है। ये तीर्थ इसी तरह विकसित हो, मेरा तीर्थ के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, संपूर्ण शहरवासियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुनील भाई पूर्व विधायक जिनको इस शहर में तरुण सागर का लाने का सर्वाधिक श्रेय अगर किसी को जाता है, सुनील भाई जैन को जाता है। उनकी वजह से आज शहर के हजारों लोगों को मुनि तरुण सागर से बात करने का अवसर मिल रहा है, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके सुख जीवन के लिए भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना, आप सबको मेरी ओर से आशीर्वाद। जय महावीर। जैसा नाम वैसा काम किया, तरुण सबके दिमाग को तरुण कर दिया सागर की। आपका नाम तरुण सागर है तो सागर को तरुण सावर कर दिया। अब समाज इनने गुरु जी ने सबको समाज को दिया, अब समाज क्या दे इनके लिए। मेरे मन में एक बात आई, इनको बुंदेलखंड के बाणी वीर की समाधि दी जाए, सब लोगों की क्या राय है। बाणी वीर की उपाधि महाराज श्री को चरणों में अर्पित की जाए। दादाजी का अनुरोध है कि क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत मुनि श्री तरुण सागर जी को हम सब बुंदेलखंड वासियों की ओर से वाणी वीर की उपाधि उनके चरणों में अर्पित की जाए, ऐसा अनुरोध हम सब करते हैं। सावलिया हो सावलिया, सावलिया हो सावलिया, हरी भक्ति में गाऊं, हरी पूजा रचाऊं, हरी भक्ति में गाऊं, हरी पूजा रचाऊं, हरी आरती में झूम झूम नाचूं रे। सावलिया हो सावलिया, प्रभु जी तू ही नैया लगाता है पार, प्रभु जी सावलिया हो सावलिया। मुनि श्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5,00,000 से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा, फोन नंबर 01292262549।